दोस्तों नमस्कार सभी को, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। आज हमारे साथ है अभिषेक जी और आज हम अभिषेक जी से कुछ चर्चा करेंगे। ये बेसिकली एक आईटी कंपनी में काम करते हैं नोएडा में और पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या चेंजेस देखे। ठीक है, बेसिकली रहने वाले मेरठ के हैं और मेरठ में भी एटमॉस्फेयर पे कॉलेजों के पास जो प्रतापपुरा मेरठ बाईपास में देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरी लाइन है, उधर ही रहते हैं ये। वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछले 5 साल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आईटी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, वहाँ के वर्क कल्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जैसे अभी कोविड हुआ, कोविड के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड चर्चाएं करेंगे जिससे आपको पता चले कि आज के टाइम में किस तरह से इंडस्ट्री में क्या काम हो रहा है, क्या चेंजेस है, कैसा एटमॉस्फेयर बन चुका है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए अभिषेक जी। सर थैंक यू, आपने मुझे इस मंच पे मौका दिया बोलने का। आज मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से 2010 और 11 के आसपास, फिर एम टेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से और टोटल एक्सपोर्ट्स 10 ईयर हो गए हैं मुझे, 10 साल हो गए हैं आईटी कंपनी में काम करते। मैंने टीचिंग भी की है स्टार्टिंग में जब एम टेक करा था उस दौरान। ये तो बैकग्राउंड हो गया मेरा। बाकी मैंने क्या देखा है, जैसा सर का क्वेश्चन है कि मैंने पिछले 5 साल में क्या देखा है, मैं पूरे वैसे 10 साल की बात लेके चले तो मतलब आज से 10 साल पहले जब कभी मैंने सोचा होगा कि 10 साल बाद मैं बीटेक करने के बाद कहाँ होऊंगा, मतलब मैं कहाँ होऊंगा तो बात अलग होगी, बट मुझे ये था कि मेरे को कम से कम इतनी नॉलेज तो होगी कि मैं किसी मतलब यूथ को गाइड जरूर कर सकता हूँ कि उसे क्या करना चाहिए। बट आज 10 साल के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे बेटर एक 12th पास बच्चा जानता है। मतलब इतना कुछ चेंज हो गया है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ और मुझे नहीं लग रहा कि अगले 2 साल में मैं अपनी जॉब बचाऊंगा या मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। 10 साल काम करने के बाद आईटी इंडस्ट्री में अब मुझे ये समय मैं सोच रहा हूँ कोई और काम, प्रॉपर्टी डीलर या मैंने क्या करूंगा मैं कुछ। अब सर से पूछ रहा था कि वीडियो एडिटिंग, मतलब कुल मिलाकर मैं बोल रहा हूँ वीडियो एडिटिंग या यूट्यूब करके पता नहीं कैसे काम चलेगा। तो मेरे ये तो लास्ट टाइम की बात वो याद आ रही है जब कोई मार्च का महीना था, मुझे पता चला कि अब कोरोना आ गया है और घर से काम करने को मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल की इच्छा पूरी हो गई कि अब मुझे एक महीना का भी अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं पता नहीं क्या बॉडी वॉडी फिट कर लूंगा अपनी, जो वो थी ना सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही थी कि काश ये मिल जाए एक महीना और एक महीने में मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा जिम विम करके और एक्स्ट्रा स्किल्स ले लूंगा, पता नहीं क्या क्या कुछ सीख लूंगा मैं। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया कि फैसिलिटी मिलने से कुछ होता नहीं, जिसने फिट होना था वो वैसे भी फिट हो गया, उस टाइम पे भी बंदा फिट था और सीखने वाला तब भी सीख रहा था। अब घर पे बैठ के कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सीखा, 10 किलो वजन बढ़ गया, बल्कि ज्यादा ही बढ़ गया उससे, तो कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ नहीं, ज्यादातर के नहीं हुआ, कुछ ने किया भी होगा। पिछले 2-3 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कंपनी ने ये फैसिलिटी दी है भाई, अब आप कंपनी में आके काम करते थे, नहीं हम घर बैठे आपको सैलरी दे रहे हैं। शुरू शुरू में तो बहुत मजा आया होगा ये करने में, खुश हो गए होंगे कि भाई घर से काम मिल रहा, बैठे बैठे ही घर से सैलरी मिलेगी, कहीं आना जाना नहीं, खर्चा नहीं, रेंट नहीं देना, रूम का आके नोएडा नहीं रहना, अब मेरठ में ही रहेंगे, वहीं से सब काम होता रहेगा। लेकिन बाद में अब पता चल रहा क्या है, कंपनी को फायदा हो उसमें या इनको फायदा हो रहा है। अभी अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें था भी ये कि इसके बाद आईटी कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया, उनके शेयर्स भी बहुत बढ़े थे। और खैर उस टॉपिक पर तो जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज है भी नहीं उसकी, लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा बट कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है, जो बचा नहीं भारी है और वो सीखने को भी नहीं मिला। पहले क्या था, हम इंटरव्यू देने तो जाते थे कहीं, रिज्यूमे भी अपडेट करते थे, एचआर भी होती थी साथ में, ऑफिस में डांट वाट पड़ती थी तो छोड़ देते थे, जो छोड़ देते थे तो कहीं और भी लग भी जाती थी साथ में 4 लड़के बैठ के बुराई करते थे तो फिर कहते थे यार यहाँ का एनवायरमेंट ठीक नहीं या कहीं और जाएंगे चंगा। अब कुछ नहीं, बिल्कुल जो हम चाह रहे हैं वो मिल रहा है, हमें आराम से लेट के काम करने की आदत पड़ गई है और पूरे दिन सुबह उठ के लो। कभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं नए कपड़े पहन के नहीं जाता कहीं, मतलब मुझे कपड़े प्रेस करे हुए पता नहीं कितने महीने हो गए,
अब शादी में भी कोई नहीं बुला रहा, तो पता नहीं मैं कभी 6-7 महीने पहले कोई नए कपड़े पहन के सूज वूज पहन के कहीं गया था, वरना मेरे लोवर टी शर्ट और वही लैपटॉप, ना दिन का पता ना रात का पता, दिन में भी ड्यूटी रात में भी ड्यूटी, छुट्टी मांग लो तो बॉस बोल देगा कि जी तेरा काम क्या है, मतलब शादी में जाना है तो शादी में जाके आके कर लियो, छुट्टी भी नहीं काट रहे हम तेरी। तो कुल मिला के ये हो गया कि कुछ एक तो स्किल समझ में नहीं आ रहे कि अब बहुत सारी चीजें तो खत्म ही हो गई हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई, और भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो कुल मिला के जैसे अगर आज कोई बच्चा मुझसे पूछे कि मेरे लिए क्या राय है, तो मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए। कि जैसे कोई बोले कि यार आपने बीटेक किया, एमटेक किया, कंप्यूटर साइंस किया, इंडस्ट्री में काम भी कर रहे हो, तो बस जो मेरा काम है, जो जिन टूल्स पे मैं काम कर रहा हूँ उन पे कर रहा हूँ, बाकी पता नहीं क्या हो रहा है दिन दुनिया का, कंपनी के एनवायरनमेंट का सब खत्म। कंपनी को ना तो वहाँ पे एम्प्लॉय के लिए बिजली खर्च करनी पड़ रही, ना कंपनी को जो है ऑफिस का रेंट देना पड़ रहा। कंपनी की वजह देखो, वहाँ कंपनी के लिए कैंटीन वाला था उसकी जॉब चली गई, सफाई वाला आता था उसकी जॉब चली गई, ठीक है। तो कंपनी में कितने को अनएम्प्लॉयमेंट मिल गया है वहां पे, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था साफ सफाई वाले, इलेक्ट्रिशियन वाला आता था जिसका रेंट पे जा रहा था ऑफिस, ठीक है, चाय पानी वाले कंपनी के बाहर आसपास खड़े रहते थे, खाना खिलाने वाले, उनका सबका काम धंधा वो हो गया, ठीक है, कम हो गया। और कंपनी को क्या है, कंपनी का काम तो घर बैठे भी हो रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं पता कंपनी में क्या हो रहा। इवन मुझे कंपनी तो को पता है आप क्या कर रहे हैं, कंपनी को तो सब कुछ पता ही है, कंपनी ने तो सॉफ्टवेयर ऐसे डाले हुए हैं लैपटॉपों में, तो आपको वो तो कितने क्लिक हुए हैं, क्या कुछ करा है, वो तो पूरी रिपोर्ट अगर वो निकालना चाहे तो पिछले पूरे साल की भी निकाल लेंगे, तो कंपनी को तो सब कुछ पता है। बाकी मैं नोएडा गया था, अब तो जाना, पहले तो डेली वहीं रहता था, मतलब जब लास्ट टाइम गया तो मुझे वो रौनक भी नजर नहीं आई वहां पे। वहां पे जो 10-11 बजे 12 बजे वहां ठेले वेले कुछ नहीं थे, बाकी हम रात को 1-1 बजे चाय पीने जाते थे वहां, कुछ गिनी चुनी ममूरा कुछ सिलेक्टेड जगह है जहाँ आ जाते हैं लोग खाना खाने, वहां कोई रौनक भी नहीं थी। और पता नहीं अब बिल्डिंगों के बाहर भी वो रौनक मुझे नजर आई नहीं है, ज्यादातर मुझे लग रहा है कि ज्यादातर ही कंपनी में मुझे लग रहा है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और जैसा सर आप बता रहे थे कि बहुतों की जॉब्स गई हैं, तो हाँ बिल्कुल गई होंगी, क्योंकि बहुत लोग क्लीनिंग पे होते थे वहां पर, और बाहर बहुत सारे चाय वाय वाले लोग होते थे, हर कंपनी के बाहर ही होते थे। तो अब तो कुछ है नहीं, रौनक है नहीं वहां पे। 3 साल में इंक्रीमेंट लग जाते कम से कम 3, वो नहीं लगे है? इंक्रीमेंट नहीं, मतलब अब हम पहले हम लड़ जाते थे इस बात के लिए कि यार हमारी सैलरी बढ़ाओ, मतलब हमें तो हिम्मत नहीं पड़ती कहने की, क्योंकि हम लोगों का फिर काम उस लेवल का भी नहीं हो पाता, और कंपनी ने जब से घर से काम हुआ है कुछ, अब पता है कि वो मना कर देंगे तो अब कहीं हम तो कहीं दूसरी जगह जॉब के लायक भी नहीं बचे अभी, मतलब हम मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है बहुत लोगों ने तो किया भी होगा डेवलप, स्किल्स डेवलप करे होंगे, जॉब भी ली होगी, बहुत सोने कंपनियां भी बदली होगी, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। तो मैं हूँ तो मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे, तो जिन्हें लगे कि वो मेरी कैटेगरी में वो हंसले और जिन्हें लगे कि उन्होंने तो कर लिया बढ़िया, उनका तो बहुत बढ़िया होगा, वो मेरे ऊपर हंसले। सही बात है, घर पे रह के। और बाकी अच्छा मैंने ये देखा है कि जब हमने बीटेक किया है, बीटेक के बाद भी, तो मैं मेरठ की बताऊं या गाजियाबाद नोएडा में, देखो मैंने टाई वाले बच्चे बहुत सारे जा रहे होते थे, और सुबह के टाइम ऑटो भरे हुए होते थे, और शाम के टाइम सेशनल जब उनके हो रहे होते थे तो हमें भी पता होता था कि हाँ सेशनल हो रहे हैं, लोगों के घर भरे रहते थे किराए पे, मतलब बच्चे और रूम रेंट के लिए आते थे। पता नहीं गायब हो गए बच्चे, बच्चे बीटेक नहीं कर रहे तो कर क्या रहे हैं, आईटी कंपनी में तो जा रहे हैं तो बीटेक कर कौन रहा है, कॉलेज कुछ बंद हो रहे हैं, अब पता ही नहीं। अब तो टाई वाले बच्चे नहीं दिखते, पूरा बाईपास भरा रहता था, पूरा गढ़ रोड भरा रहता था मेरठ में, तो अब तो हमें बच्चे नहीं दिखाई देते। अब मैंने अपने भांजे से पूछ लिया विभू से, मैंने कहा अब क्या कर रहे हैं भाई, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा, अगर हम आओ तो यूट्यूब बना रहे, यूट्यूब पे वीडियो बना के कमा रहे हैं पहले से ज्यादा। मैंने तो इग्नोर कर दी, मतलब हंसी मजाक में बोल रहा है बंदा, लेकिन अब शायद लग रहा है कि वो सच ही कह रहा था, बच्चे यूट्यूबर ही बने बैठे तो कमा भी ठीक रहे। मैं बात बताऊं, 2007 में मैंने बीएससी जब करी तो बीट वो बीएससी 2004 की बात बताता हूं पहले, 2004 में 12th पास करी तो मेरठ में आए, चलो एडमिशन लेते हैं बीटेक में, ठीक है।
MIT मेरठ का सबसे MIIT ठीक है, टॉप में नंबर वन कॉलेज माना जाता था। उसने कहा भैया UPTU में अगर तुम्हारी 5,000 से कम रैंक है तो होगा, लाख रुपए फीस है। और आज के जमाने में कह रहा है MIIT वाले कॉल कर करके कह रहे हैं कि तुमने एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, 10,000 में ही एडमिशन ले लो, 10,000 सेमेस्टर फीस लगेगी, ठीक है, उल्टे पैसे भी मिल रहे हैं, उल्टे स्कूल भी दे रहे हैं। अच्छा हमारे टाइम पे UPTU थी उस टाइम पे, ये वो कुलपति शायद उसके DS चौहान थे, या DS चौहान तो अब है, DS चौहान पहले UKTU के थे, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, हमने वहाँ पे एडमिशन लिया था MCA में। अच्छा तो शायद ये दोबारा बन गए होंगे, हमारे टाइम पे जब थे ये तो उस समय 15-16% रिजल्ट रहता था, अब फिर बीटेक कर ही नहीं पाते थे बच्चे। अब कॉलेज वालों ने देखा यार ये तो फर्स्ट ईयर में बच्चे फेल हो जाते हैं, ईयर बैक लग जाती है, आगे की 3 साल की सीटें रहते हैं, पता नहीं क्या हुआ है, बच्चे बीटेक कर रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, मतलब आंखें दिखा रहे हैं हमें कॉलेज में, ये बच्चे को हो रहा है, जिस कॉलेजों में बच्चे एडमिशन लेके बीटेक में भी कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, पेपर जिस बच्चे को देख के मैं बोल देता था भाई तुम बीटेक मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, वो बच्चा मतलब ठीक ठाक नंबर ला रहा है, जॉब भी ले रहा है, तो पास हुए जा रहे हैं, उसमें भी पहले पास नहीं होते, पहले मतलब अच्छा खासा मतलब कुछ ऐसा था कि ठीक ठाक बच्चा बीटेक करता था, फिर एक तरीका होता था। हम ये वीडियो यहाँ पे डिस्कशन ये कर रहे हैं कि आगे आने वाला फ्यूचर क्या होगा, अगर सब बंदे यूट्यूब पे लग जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, कोई बीटेक नहीं कर रहा, कॉलेजों का तो ये सिस्टम है, चाहे कोई बीएड वाला हो, बीए वाला हो, बीएससी वाला हो, आज से 10 साल पहले कॉलेजों में लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज के टाइम में एडमिशन होता है लेकिन बच्चा नहीं जाता, क्योंकि सरकार ने ये सिखाया है कि करो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सीखो, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वो क्या कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है, और यूट्यूब करने के बाद क्या कर रहा है, वह उसी में ही लग रहा, वो स्किल नहीं सीख रहा है, उसे पता है इस कॉलेज में जाने से कुछ नहीं हो रहा, और कॉलेज में बिना जाए भी आपको पेपर में पास हो जा रहे हो, आप पेपर देने जाओ, कॉलेजों ने भी यही सिस्टम बना लिया, अटेंडेंस पूरी लगा देते हैं, कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर मान लिया चलो पैसे तो तुम कमा रहे हो यूट्यूब करके, तुमने पैसे, क्या पैसे कमाने से देश चल जाएगा? आगे आने वाले देश चलाने के लिए तो हर तरह का काम आना चाहिए, हर तरह का बंदा होना चाहिए ना देश में, हर तरह का काम तभी तो चलेगा भाई, देश चलने के लिए जितने भी तरह के काम होते हैं उन काम, वे काम चलने चाहिए, और उन काम को चलाने वाले बंदे होने चाहिए, लेकिन बंदे तो सारे यूट्यूब चलाने वाले बन रहे, वो पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में कौन जा रहा, बीएड वाले कॉलेज जो है उन्होंने टीचर रखने बंद कर दिए हैं, ठीक है, बस दो कलर टीचर रखे, वही कलर बना दिए हैं, बस तुम्हारा काम एडमिशन लेना, प्रैक्टिकल लेना, खत्म, रिजल्ट बांटने, ठीक है, इंक्वायरी तुम ही एडमिशन करवा दो, बाकी कोई टीचर रखने की जरूरत ही नहीं, जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो टीचर रखने क्या, वे भी दो जो टीचर रखे कलर बना रखे, वो भी 40,000 थी तो अब उनकी क्या थी, 10,000 में करनी तो कर ले, नहीं तो रहने दे भाई, और हो सकता है क्लर्क भी PhD बैठा हो बंदा। तो यही करके इस तरह का सिस्टम हो गया है, मतलब सब बंदे जो है कॉलेज में जाना बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई बंद कर दी। यहाँ पे बेसिकली मैं बताऊँ, मैं मुखर्जी नगर में था, तो जब मैं पढ़ाता था यूट्यूब वगैरह का, मुखर्जी नगर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट का हमने शुरू किया, शुरू में वहां पे आके सबसे पहले IT का काम हमने मुखर्जी नगर में शुरू किया था। तो एक बंदा UPSC दृष्टि के बराबर में ही हमारा ऑफिस था, बीच बाद में हमने खोल लिया था वहाँ वर्धमान मॉल में। तो क्या हुआ, एक बंदा UPSC की तैयारी कर रहा मेरे पास आया कि सर मुझको ये YouTube बनाना सिखाओ, मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे, चैनल बनाना कैसे कैसे बनता है, वो दृष्टि में पढ़ता था। मैंने कहा घर वालों ने किस लिए भेजा भाई तुझे, IAS बनने भेजा, UPSC करने या YouTube चलाना भेजा? अरे जब तक तेरी 32 साल उम्र है तब तक तो इसकी तैयारी कर ले, पूरा उसी में ध्यान लगा दे, वीडियो में ध्यान लगाने लगा तो वो भूल जाएगा, वीडियो वीडियो ही करेगा, फिर यही खेलेगा। तो मगर पहले उसको पढ़ ले, वहां नहीं हुआ ये तो तब भी कर लेगा, ये तो तब भी हो जाएगी, वहां हो गया तब भी कर लेगा, साथ में भी कर सकता है, लेकिन अगर एक बार एज निकल गई तो वो दोबारा नहीं होने, दोबारा नहीं होगा, ठीक है, ये तो किसी भी उम्र में हो जाएगा। और तो मैंने तो उसको भगा दिया ये कह के, अब मेरे साथ वाले और जो बंदे थे वे कह रहे हैं तुम तो बिजनेस चौपट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हैं, जो बंदा 4-5 हज़ार दे के जाता वो YouTube बनाना सीखता, फिर हमें काम भी देता, थंबनेल बनाओ, वीडियो एडिटिंग करो, ये करो, तो हमारा तो तुम तो बिजनेस भाई, तुम तो बिजनेस चौपट करोगे, ठीक है। मगर मैं बिजनेस का बात नहीं, पहले जो काम है वो काम है, बिजनेस से मतलब नहीं, सही राह दिखाना एक टीचर का काम है, सही राह दिखाए किसी चीज को, ठीक है। अब मुझको तो ये देख के होता है कि कोई बच्चा पढ़ने को
तैयार नहीं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, पढ़ाई को तो वो ले नहीं रहा, वो तो सोच रहा बिना करे यूट्यूब पे मौज मस्ती करेंगे, पढ़ाई में गाली वाली देंगे तो हो जाएगा काम। पढ़ाई भी यूट्यूब से ही कर रहा है ना वो बंदा, वीडियो या ऑनलाइन जो एजुकेशन आ गई है वही कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि एक्चुअली कॉलेज का एनवायरनमेंट खत्म हो रहा, ऐसे तो स्कूल भी बंद कर दो, कॉलेज ही बंद कर दो, वो पढ़ लो डिस्टेंस चला तो ये जो आ गया जो है चीजें वहां सीखने को बच्चों को जो एनवायरनमेंट मिल रहा था वो खत्म हो गया है सारा, और दूसरी स्किल नहीं कर पा रहा ना वो। फिर सबसे जो बात है ना कि बच्चा बच्चे में बैठता है जैसे, तो आपस में क्लास में पता है कि यहां से जा नहीं सकता मैं घर, वहीं बैठ के जो डिस्कस होता था, ठीक है ना, चार बुद्धिमान लोग अगर एक जगह बैठे तो तभी तो एक अच्छे, जैसे MIT कॉलेज था और अच्छे कॉलेज थे, वहां पर क्या होता था वो बच्चे एक साथ बैठते थे, पता है कि घर तो जाना नहीं है, यहाँ पर बैठ कर वो डिस्कशन होता था आपस में कि क्या बेटर हम कर सकते हैं, और वहीं से चीजें होती थी। अभी वो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, वो फिर टीचर से भी पूछते थे, अब टीचर की रिस्पेक्ट भी नहीं रह गई क्योंकि कहीं से भी कोई भी कंटेंट उठा लो यूट्यूब की, किसी कोई टॉपिक डालो 100 वीडियो आ जाएंगे, कहीं से कुछ भी देख लो। तो ना तो टीचर की नीड बच्चे को है, और बच्चा बंधना भी नहीं चाहता 9 से 5, उसे तो घर पे बैठ के पढ़ना है, पढ़ तो रहा है बच्चा, पढ़ भी रहा है, नॉलेज भी ले रहा है, काम भी सब कुछ चल रहा है, तो सिस्टम बदल गया है सब कुछ। पे मैं तो घर पे चाहता हूँ कि मुझे घर से कोई काम मिल जाए, मैं अगर सब्जी लेने भी जाऊंगा तो मैं 4 घंटे में आता हूँ कम से कम, कुछ बहाने से घर से तो निकले, घर पे बैठे रहते पूरे दिन। मैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहा था कि जैसे सर आज जो एजुकेशन सिस्टम बदल गया है, आज हम तो कुछ सोच भी पा रहे हैं क्योंकि हमने ये चीजें चेंज होती हुई देखी हैं, लेकिन जो आज का बच्चा है जो अभी इस वीडियो को देखेगा अभी, तो जो आज ये बच्चा देख रहा है और अब वो इस तरह से एजुकेशन ले रहा है, वो घर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या नॉलेजेबल नहीं है, नॉलेजेबल भी है, पढ़ भी रहा है, और बल्कि हमसे बेटर कर रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसने बहुत सारी वीडियो देखी और नॉलेज ले ली, काम भी ले लिया, उसने काम भी पकड़ लिया। लेकिन आज से अब उसके 10 साल बाद जब वो बच्चा मेरे की तरह सोचेगा, और हो सकता है कि यूट्यूब जैसे अब हमारे टाइम पे नहीं था अब आ गया, या कुछ चीजें चेंज हो गई, चीजें तो धीरे धीरे बदलेंगी, अब जब ये चेंज वो 10 साल बाद देखेगा जो चीजें बिल्कुल उस टाइम पे बदल चुकी होंगी, यूट्यूब हो सकता है खत्म हो गया, कुछ और पोर्टल आ गया हो, या हो सकता है यूट्यूब ने चार्जेस बढ़ा दिया हो, या पैसा देना बंद कर दिया हो, या ये जो टीचर अब सब लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं, फ्री में जो अपनी वीडियो दे रहे हैं, हो सकता है वो टीचर्स को कुछ जब वहां से नहीं मिलेगा वो कुछ और कर लें, और कॉलेजेस उस समय बर्बाद हो चुके होंगे क्योंकि कॉलेजेस में बच्चे नहीं जा रहे उस समय, नए टीचर, अब टीचरों को हैबिट नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने की, अच्छे टीचरों को कुछ को हो गई कुछ को नहीं है, उस समय टीचरों को हैबिट्स नहीं होंगी क्लास में पढ़ाने की, वो आदत उनकी हट चुकी होगी, और टीचिंग प्रोफेशन हो सकता खत्म भी हो गया हो उन लोगों के लिए जो पढ़ रहे हैं, कॉलेजों के लिए, कॉलेजों की बिल्डिंग जर्जर हो गई हो, उनमें हॉस्पिटल खुल गए हो क्योंकि जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं, अब आजकल कॉलेज वाले ये भी कर रहे हैं अपनी जमीनें बेच रहे हैं और कॉलेज को शिफ्ट कर रहे हैं कहीं और, उन्हें कॉलेज की जमीन को वो क्या करते हैं ट्रस्ट से कन्वर्ट कर, रूल भी आ गया था कि कॉलेज की जमीन को ट्रस्ट से हटा के वो प्लॉट काट रहे हैं, हो भी ये रहा है कि जमीन बहुत महंगी हो रही है और वो अपना कॉलेज कहीं शिफ्ट कर देंगे, तो कॉलेज एक तरह से ऐसे ही हो जाएंगे जैसे एक ऑफिस टाइप का, वहां पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑनलाइन, और उस समय ऑनलाइन सब कुछ खत्म हो गया हो, ऑनलाइन से कमाई बंद हो जाएगी तो टीचर भी बंद हो जाएंगे, और वैसे टीचर होंगे नहीं तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या। अभी गवर्नमेंट का भी यही है प्लान कुछ सुनने में, जैसे मान लिया स्कूलों में टीचर्स को रखे जा रहे हैं, कॉलेजों में रखे जा रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम कर दो, एक टीचर ही सबको पढ़ा देगा वहीं पे ऑनलाइन, तो टीचर को रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो फिर एक तरह से खिलवाड़ भी है हमारे स्टूडेंटों के साथ। हाँ, गवर्नमेंट में भी हो जाएगा, क्या जरूरत है करने की, गवर्नमेंट भी ऐसे करने लगे, अभी तो करना पड़ रहा एकेडमिक के लिए, तो कॉलेजों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वैकेंसी अभी देखो कॉलेजों में कितनी वैकेंसी निकलती है, हो ही नहीं रही, प्राइवेट कॉलेजों का तो बंद ही हो गया सिस्टम ही, प्राइवेट कॉलेज देखें तो गवर्नमेंट में चल रहा प्राइवेट कॉलेजों में जॉब खाना है टीचर्स की, ठीक है, और वैसे भी स्टाफ की जॉब खाना, जो जो कॉलेज लाइफ जैसे हमसे पहले वाली जनरेशन ने कभी रैगिंग देखी है उसके नुकसान भी देखे, लेकिन उसे कुछ मतलब उन्होंने उस रैगिंग को एंजॉय करा, हमने
नहीं किया। अब तो जो आने वाली जनरेशन है वो तो कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाएगी। पब्लिक स्कूल में तो उन्होंने पूरे डिसिप्लिन से रहना है, बारहवीं तक ज्यादातर पब्लिक स्कूल में ये होता है पूरे डिसिप्लिन से रहना है। तो जो कॉलेज लाइफ होती है स्टूडेंटों के साथ घूमने की फिरने की, या जो एक कैंपस होता था, अब कॉलेजों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि अपने पार्क भी मेंटेन कर लें। आज की डेट में ये कंडीशन है कि कॉलेजों में धूल जम रही है, बच्चे नहीं जा रहे। सबसे बड़ा फोकस ये है हमारा कि यहाँ पे स्टूडेंट की तरफ से कि स्टूडेंट जो है स्किल्स उस लेवल का नहीं ले पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं उस तरीके, वो पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहे, ठीक है। इसके चक्कर में मेनली क्या है कि पढ़ाई पे फोकस नहीं रख रहे, इधर उधर की चीजों में बहुत सारे, देखो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं अब भी, यूट्यूब का फायदा भी, हर चीज का फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। तो बहुत बच्चे जो मान लिया जॉब लग चुकी है या जिसकी शादी हो चुकी है, जो घर से बाहर नहीं जाते, मजबूरी है नहीं जा सकते, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सी लड़कियां थी गांवों में घर से बाहर नहीं जाती थी, ये नहीं, तो वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं मिल रही है। लेकिन इससे ये भी है कि बहुत सारे इसी के चक्कर में लग गए, यूट्यूब सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप इन पे लगे हुए हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे, कहना वो ढूंढ रहे जॉब, ना कोई नया स्किल सीख रहे, वो बस नाच गाना सीख रहे। जिस तरह से नाच गाना, जिस तरह से कमाई शुरू हुई है यूट्यूब पे, अगर कोई बंदा कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाता है जिससे जिसका कोई लाइफ में यूज तो है नहीं, वो फायदा है नहीं, लेकिन बंदे को तो कमाई हो रही है। हाँ। और इवन अगर सर आप पढ़ाते हैं, जैसे अभी आपसे डिस्कस हो रहा था, तो आपका एक तरह से देखा जाए तो कस्टमर बेस, मतलब स्टूडेंट बेस है कि कौन लोग आपके यहाँ आएंगे। लेकिन एक बंदा जो एंटरटेनमेंट की वीडियो बना रहा है, तो उसे तो 5 साल से लेकर 70-80 साल तक का बंदा, लड़का लड़की बूढ़ा हर बंदा देख रहा है ना, तो उसके पास तो वैसे भी ज्यादा कस्टमर मिले तरह से ज्यादा सब्सक्राइबर आ जाएंगे, अब वो उससे ज्यादा कमा लेगा तो देखा जाए तो फिर वो उसी लाइन में बढ़ेगा, फिर उसके लिए गाना गाले गलो जिसमें, फिर उसके लिए थंबनेल बनाने वाला बंदा हो गया, फिर उसी में। लेकिन ये इंडस्ट्री मतलब अब वो उस चीज से कमा रहा है बंदा पैसा, तो जब पैसा कमाएगा तो वो फिर उसी में इंटरेस्ट लेगा और ज्यादा कमाएगा। लेकिन कल को अगर वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है और ऊपर से पैसा ना बंद हो जाता है, फिर वो किस लायक रहेगा बंदा। और सबसे बड़ी बात ये है अभिषेक भाई कि अगर मान लिया चलो पैसा कमा रहा, सब नाच गा के पैसे कमा रहे, सही काम करके कमाए फिर बड़े, ये जो है अब मैं देखता हूँ फेसबुक पे यूट्यूब पे फालतू की गंध वाली वीडियो पड़ी है, लोग बाग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पैसा कमाने के लिए, वो एक तो समाज को खराब कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप तो कर नहीं रहे, अपना पैसा खराब, समाज को खराब कर रहे हैं, और बस ये इसी में लगे, उनका देखे देखी और दूसरे भी लगे हुए हैं ऐसी वीडियो बनाने में कि इनसे ज्यादा वो आ रहे हैं, व्यू आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, इनकम हो रहे हैं। तो सब जब इसी में लगे हुए हैं, तो जो हमें डॉक्टर इंजीनियर चाहिए वो कहां से आएंगे, जो हमें बाकी काम करने के लिए वो इम्प्लॉय चाहिए, देश को चलाने के लिए जो चाहिए वो कहाँ से आएंगे। बच्चा पैदा होते ही यूट्यूब देख रहा है, फिर नाच गाने में लग गया, तो सोल्जर कहाँ से आएंगे, ठीक है। उसको तो सुबह वो रात को 2 बजे तक तो वीडियो देखेगा, सुबह उठ के दौड़ लगाएगा नहीं, वो कहाँ फिटनेस होगी उसकी, कहाँ जाएगा वो फिर आर्मी में, कौन बढ़ती है, ये बात है? सही है। सब उसमें ही लगे हुए, कुछ करना नहीं, घर बैठे नाच गाना करके गाली गलौज करके बन जाएंगे। सर अब जो बंदे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो एक क्वेश्चन बोल सकते हैं कि आप तो ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कुछ हो नहीं रहा बढ़िया, देखें तो सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, आईटी में नई नई रिसर्च हो रही है, नए स्टार्टअप आ रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स की भी क्वालिटी बढ़िया हो रही है, बोलेंगे यार इस बंदे के साथ प्रॉब्लम है, तो यही आपकी फ्रस्ट्रेशन आगे निकाल रहा है। तो बात ये नहीं है, मतलब मेरा पॉइंट ये है कहने का, सब चीजें हो रही हैं। एक टाइम पर अगर आप देखें तो मैकेनिकल इंडस्ट्री में भी ऐसा ही ग्रोथ हुई थी, नए इंजन का आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल में भी हुई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, अगर आप देखें तो आज इस सिविल में हुई, सिविल में भी थोड़ा बहुत कुछ नई चीजें आ गई हैं, बाकी फिर उसके बाद अगले 50-60 साल तक कुछ नहीं आया था उसमें। एक टाइम था जब वहां नई नई चीजें आ रही थी, कंप्यूटर साइंस का भी ऐसे टाइम आ रहा है जब नई नई आ रही है, और शायद उस समय भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ होगा, या अब हमारे यहाँ जो होने वाला है इससे फिर आने वाले टाइम में रुक जाएंगी, अभी तो चल जाएंगी ये सब चीजें, आने वाले टाइम में दिमाग जहर है पूरी जनरेशन को खराब करने। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमा रहा है 60,000-70,000 रुपए और 80,000-8 लाख रुपए कमा रहा है एक बंदा जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, उससे कम स्किल वाला, और तो फिर वो टैलेंटेड बंदा भी उसे देखे देखे ये कहते हैं, इंटेलिजेंट बंदे को पता है पैसा कैसे कमाना है और वो पता कर लेगा, तो जिसने 80,000 पे काम ना करके वो भी कुछ ऐसा ही करेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो है भी कुछ ऐसा, ये इंजीनियर के अलावा कुछ एक टैलेंट इनमें जरूर होता है, कुछ ना कुछ ये कोई गाने वाला होगा, कोई कुछ होगा, कोई, तो वो बंदा जहां से कमाई होगी वहां चला जाएगा।
तो हमारे जो टैलेंट है ना वो बंदों का वो कहीं और ही चला जाएगा, वो जहां से पैसा आएगा आगे, फिर इसका सही नहीं दिख रहा भविष्य इस चीज पे। हाँ अभी देखो हमारे यहाँ पे दो पॉइंट के लिए बात करी हमने मेनली। एक तो अगर हमारे जनरेशन जो है, जो नई जनरेशन आने वाली है, ठीक है, नई पीढ़ी आने वाली है, अगर वो देखो अच्छी वीडियो बना रहे आप पढ़ने लिखने की नॉलेज वाली, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाओ, होना चाहिए, उससे सीख रहे हो आप। लेकिन ये नाच गाना फालतू की गंद वाली वीडियो आप बना रहे हो, इससे क्या हो रहा है, इससे समाज खराब हो रहा है, इससे कोई भविष्य नहीं, ठीक है, इससे क्या नेगेटिविटी हो रही है, तो हम इसके बारे में बहुत ही सोचने के विचारने की बात है, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। और दूसरी चीज कि इन चीजों के आने से कि बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे, क्या इम्प्लॉयमेंट पे, क्या कॉलेज बंद हो गए, उन कॉलेजों का क्या, उससे जुड़े हुए इतने इम्प्लॉय थे, ठीक है, जो कंपनीज थी, कंपनीज वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, तो इनमें कितना नुकसान हो रहा है वहां पे इम्प्लॉयमेंट पे भी। मैं यहाँ पे तीन बातें, मैं तीन बातें बोल के फिर वीडियो एंड कर दूंगा अपनी तरफ से। पहला तो ये है कि मैं चाहूंगा कि जितनी भी ये एजुकेशनल वीडियोस बनती हैं, YouTube सिर्फ इन्हें पैसा दे, इन्हें फंड दे या नॉलेजेबल को दे, जितनी भी एंटरटेनमेंट की है तो YouTube ने ऐसा करना चाहिए कि आप बनाओ, एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हो ना, तो एंटरटेनमेंट ही कर लो अपना, पैसे नहीं मिलेंगे या बहुत ही नाम मात्र के इतने हो जाएं कि जिससे कि टैलेंटेड लोग इधर और मूव ना करें। एजुकेशन पे पैसे मिलने चाहिए ताकि एजुकेशन की वीडियो वो बनाए, नॉलेजेबल होंगी, बंदे देखेंगे। अच्छा, और दूसरा ये है कि एक रेगुलर क्लासेस जो ये बंद हो गई है, गवर्नमेंट ने इस पर सख्ती से काम करना चाहिए कि कॉलेजेस में, पब्लिक स्कूल में तो चल रहा है, कॉलेजेस में रेगुलर क्लासेस चलनी चाहिए, वो 3 या 4 साल के होते हैं, वो बंदे ने इतनी भी जल्दी नहीं कोई कि 3-4 साल में उसे टैलेंट सीख के एकदम ही जॉब लेनी है, 3 साल आप जॉब मत करो, बच्चों को भी क्लास में जाना चाहिए, उससे बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, टीचर बनते हैं, नए नए टीचर आते हैं और वहां पर भी होता है कुछ। तीसरा ऑफिसेज, अगर इस तरह से सब कुछ बिल्कुल ही वर्क फ्रॉम होम ये इस तरह से हो जाएगा तो बिल्डिंगें किराए पे जाना बंद हो जाएंगी, नई बिल्डिंग देखो इंडिया में मॉलों के भी यही हाल हो चुके हैं, मॉल सब बंद ही होते जा रहे हैं, इस तरह से अगर बिल्डिंगें नहीं बनेंगी या ऑफिसेज रेंट पे नहीं जाएंगे तो ये जो इंडस्ट्री है ना, किसी भी देश में आप देख लो कि जितने सीमेंट की खपत होती है उसकी इकोनॉमी इतनी ऊपर जाती है, नई नई बिल्डिंगें बंद हो जाएगी बंद ना, और ऑफिसेज अगर लोग ऐसे नहीं लेंगे तो इससे इंडियन इकोनॉमी पे भी गलत प्रभाव पड़ेगा, और लोगों को एक हैबिट भी होनी चाहिए कि वो कैसे बैठ के 9 से 5 तक काम कर सके किसी ऑफिस में, और सीरियसली वो क्वालिटी वर्क होता है, घर पे आप सब जिन्होंने काम करा होगा देखो कैसे काम कर रहे हैं। चलो बाकी ये तो हमारे कुछ व्यू थे, अभिषेक भाई के साथ हमने बात करी यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने अपने व्यू रखे कुछ, तो आपके भी अपने होंगे कुछ, ऐसा कोई जरूरी नहीं हमने सारी बात सही करी हो, ठीक है, हमारी बातों में बहुत सारी गलतियां होंगी या कोई बहुत सारे बंदे सहमत नहीं होंगे, तो आप भी अपना जो भी कुछ कहना चाहते हो आप कमेंट करके कह सकते हो, ठीक है, बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे हमें भी पता चले भाई क्या है, कहाँ क्या चीजें हो रही है, कुछ हम भी घर की 4 दीवारी में ही बंद है सही यही से काम, तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।